गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर सिक्स है आपका, जनरल प्रिंसिपल्स आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा हुआ है बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल थर्ड चैप्टर के अंदर, और वो आपके पास क्या है, आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो जनरल इंट्रोडक्शन हम इस बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका अक्यूरेंसी ऑफ मेटल। तो एक्यूरेंसी ऑफ मेटल मीन्स हमारे पास मेटल पाने की टेंडेंसी की मेटल कहां पाए जाते हैं। तो बेटा लिख रखा है आपके पास, फर्स्ट आपके पास क्या है फ्री स्टेट, सेकंड क्या है आपके पास कंबाइंड स्टेट। मीन्स एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर इन टू वेज, दो नेचर में पाए जाते हैं बेटा। पहला नेचर होता है आपका फ्री स्टेट, जिसको आप क्या कहते हो सेकेंड वे में नेटिव स्टेट। ये क्या है आपका नेटिव स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में हमारे पास फोर एलिमेंट गोल्ड है, प्लेटिनम है, नोबल गैसेस एटसेट्रास, ये पाए जाते हैं, दोज एलिमेंट विच आर फाउंड इन फ्री इन स्टेट। एंड सेकंड इज दोज एलिमेंट विच आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, फॉर एग्जांपल आपके पास सिलिकेट्स है, सल्फेट्स है, सल्फाइड्स है, एटसेट्रास है, आपके पास जिंक है, आयरन है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट अकुरेंसेज ऑफ मेटल। तो मेटल मीन्स क्या पाया जाता है बेटा, दो स्टेट, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, जिसमें एग्जांपल भी आपके पास है गोल्ड है, प्लेटिनम है, नोबल गैसेज है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रास, सिलिकेट्स है, सल्फेट्स है, सल्फाइड्स है। सेकंड कह रहा है कि सेकंड पॉइंट आपके पास कि अर्थ एज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट, की अर्थ है ना वो एलिमेंट्स का एक बड़ा सोर्स है। तो बेटा उसके अर्थ के तीन पार्ट हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पार्ट बनाए हैं तीन पार्ट में। पहला पार्ट है आपका एटमॉस्फेयर, फर्स्ट क्या है आपके पास एटमॉस्फेयर, जो अर्थ से ऊपर पाया जाता है लगभग 60 किलोमीटर, 0 से 60 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। उसके अंदर क्या है, हम क्या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर को मिक्सर ऑफ गैसेस, क्या कह सकते हैं इसको मिक्सर ऑफ गैसेस, जहां पे आपके पास नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है हमारे पास, जिसमें एयर भी है आपके पास कह सकते हो। तो दैट इज योर एटमॉस्फेयर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अर्थ एज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट। सेकेंड है आपके पास हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आपका अर्थ का हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट, ये आपके पास किसमें होता है लिक्विड फेस में, किसमें होता है बेटा लिक्विड में, और इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स अर्थ के ऊपर लगभग कितना है, हम लिख भी रखे बेटा 80%। अब वो किसमें है, सी वाटर लिखा है मैंने, वो रिवर्स में भी होता है, लेक्स में भी होता है, एंड डिफरेंट काइंड सोर्सेज ऑफ वॉटर। ठीक है, जो आपके पास क्या बनाता है सोल्ट, जो सी वॉटर होता है बेटा ये आपके पास किसमें होता है, ये सॉल्ट फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट हो गया हाइड्रोस्फीयर, जो हमारे पास अर्थ पे लिक्विड फेस में पाया जाता है, और ये किसमें हो गया गैसियस फेस, ये किसमें हो गया लिक्विड फेस। अब थर्ड हमारे पास बच गया लिथोस्फीयर, तो ये क्लियर है ये गैस लिक्विड और सॉलिड, तो ये आपके पास थर्ड हो गया लिथोस्फीयर, जिसमें हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, जहां पे अलग अलग चट्टाने पाई जाती हैं आपके पास, ये होते हैं सॉलिड फेस में होता है, और इसमें ही मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं आपके पास मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्लियर, तो दीज आर द थ्री पार्ट्स विच आर मेन सोर्सेज ऑफ एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आपके पास ये हो गए मेन सोर्सेज, हमारे पास क्या है ये आपके पास 80%, हमने ये कहा कि भाई आपके पास 80% ऑफ सी वॉटर गैसियस लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में। तो तीन पॉइंट क्लियर हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है थर्ड, हमने कहा कि जो एल्यूमिनियम, जो हमारे पास सी है, ओशियन है, ओशियन इज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट, और लिख भी रखा है यहां पे देखो 80% पार्ट, लगभग 80% हमारा जो पृथ्वी का पार्ट है स्पेस है वो किससे भरा हुआ है, पानी से है, लिक्विड से। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन इज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट, इससे भी कंफर्म कर लेते भैया हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस मिनट का हम, तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन इज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे पास क्या ऑक्सीजन सोर्स है एलिमेंट्स का, तो हमारे पास क्या करता है इट कंटेन्स, लिख भी रखा है आपके पास कि इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सोलबल सोर्स, वो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सोलबल सोर्स लेता है, जैसे हमने कहा रॉक ले ली इग्नोरोसिस रॉक्स, जिसमें आपका सोडियम पोटासियम सोडियम कैल्शियम है, रेन वॉटर ले लिया जिसमें हमारे पास केन वोर है CO2 बच्चों। अब आपके पास क्या, अगर ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं भाई सी वॉटर, जिसमें क्या है सी वॉटर में बाई कार्बोनेट ऑफ सोडियम आयन पोटासियम एंड कैल्शियम आयन,
क्योंकि इसने लिखा है ना ओशियन इज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट्स में। तो ये आपके पास इग्नोरस रॉक्स को जब रेन वॉटर के साथ आपस में मिलते हैं, पानी गिरता है रॉक्स पे, तो बेटा वो पानी क्या करता है, उनके साथ रिएक्ट करता है और फ्लो होता है कहां चला जाता है, सी वॉटर में, और उनके साथ क्या कर जाती है हमारे पास इंप्योरिटी जिसको आप बोलते हैं डेटेरियस क्ले चला जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं क्ले एंड एसओ टू, किसका मिक्सर होता है वो भाई क्ले एंड एसओ टू आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास शो कर रहा है। इसी प्रकार आपके पास सेकेंड रिएक्शन हम भी लिखी है इसमें कि ओशन क्या शो करता है, बेटा कैल्शियम आयन आपने बनाया ये ना कि बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आयन, बाई कार्बोनेट ऑफ पोटेशियम, बाई कार्बोनेट ऑफ सोडियम, बाई कार्बोनेट की बात कर रहे हो तो कार्बोनेट क्या होता है CO3 2 नेगेटिव, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, और हमने क्या किया यहां से कि आपके पास CA2 पॉजिटिव था, आपके पास किसके साथ ये किया बाई कार्बोनेट, किसके साथ किया बाइकार्बोनेट लिख रखा है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम आयन या सोडियम। तो हमने क्या किया इसके साथ रिएक्शन किया तो आपके पास क्या बन गया बेटा एक सॉल्ट बन गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2। लाइक एस फॉर अदर एग्जांपल लिया HCl HCO3 वही हमारे पास रिएक्ट किया किसके साथ बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बन गया बच्चों आपके पास Cl नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन बाहर चले गए H2O और में लिख रखा है दैट इज योर मेटा फोर्सेस। क्या है आपके पास मेटा फोर्सेस ऑफ क्ले टू फॉर्म इससे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकेट क्या होते हैं बच्चों SiO4 4 नेगेटिव, ठीक है। तो दैट इज योर थर्ड पार्ट कि ओशियन इज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, तीन चीज। अब हमने ये लिखा है इसके अंदर मैंने अर्थ के एक बेटा स्पेस से बड़ा स्ट्रक्चर बनाया आपके पास अर्थ, अर्थ कंटेन करती है 46% ऑक्सीजन पार्ट, ये जो पार्ट फर्स्ट 46, सेकेंड हमारे पास सिलिकॉन है जो किनारे ने हमारे पास 27%, थर्ड हमारे पास क्या है नॉन मेटल्स जिसमें हाइड्रोजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा हमारे पास लाइज होती है, ठीक है, अदर एलिमेंट्स, ये होती है मेटल्स लाइक एज एल्युमिनियम आयरन कार्बन एक्सेट्रा, इसके अंदर ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट हमने पार्ट डिवाइड किया, ये अर्थ का एक सोर्स हो गया एलिमेंट्स का हमारे पास फाइंड आउट करने का ओशियन का। तो हमारे पास एक्यूरेसी जो मेटल हो गया इसमें अब एक छोटा सा पार्ट बन जाता है कि बेटा एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल वर्ड्स कि जो आपने एलिमेंट्स डिस्कवर आपने फाइंड आउट किए गए हैं इन कंबाइंड स्टेट इन नेटिव स्टेट वो एलिमेंट्स आपके बायोलॉजिकल वर्ड्स में कहां बायोलॉजी में कहां का यूज होते बेटा, कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, कैल्शियम क्या होता है हमारी बोन्स में होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कहां होते हैं दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। थर्ड हमारे पास आयरन होता है इन हीमोग्लोबिन्स, मैग्नीशियम होता है इन क्लोरोफिल्स में, एंड जिंक होता है सम ऑफ आई एनिमल्स सर्टेन एनिमल्स में, आपको जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं उनकी आंखों में। तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट योर सिक्स चैप्टर, जिसमें आपने मेटल्स को फाइंड आउट किया एक्स नेचर में, अर्थ को बताया सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, ओशियन को बताया। अब इन्हीं बेस पे अब बच्चों ये आपके पास बातें हो जाती है तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, इसमें आपके पास क्या दो डेफिनेशन आती है कि कुछ एलिमेंट्स आपके पास कि अर्थ है ना, अर्थ क्रस्ट क्या होता है, अर्थ का ऊपरी भाग हमारे पास सरफेस होता है सरफेस ऑफ अर्थ। अब कुछ एलिमेंट हमारे पास फाइंड आउट किए गए उनसे हमारे पास एक न्यू डेफिनेशन आकर्ष हुई, और वो डेफिनेशन कौन सी आकर्ष हुई हमारे पास मिनरल्स, और इससे हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किससे आए हमारे पास मिनरल्स से। तो अर्थ के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपके पास है सिलिकॉन है फॉस्फोरस है जिंक है आयरन है एक्सेट्रा, ये एलिमेंट्स कहां से प्राप्त होते हैं कंबाइंड स्टेट में प्राप्त होते हैं। जो कंबाइंड स्टेट मैंने बताया था एलिमेंट्स आर फाउंड इन टू वेज, तो कंबाइंड स्टेट के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं मिनरल्स कहलाते हैं हमारे पास। मिनरल्स क्या होते हैं द कंबाइंड स्टेट। तो इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट लिखे हैं हमारे पास कहां थे कंबाइंड स्टेट के अंदर, जिसके अंदर पाए जाए कंबाइंड स्टेट इन विच ए मेटल्स अकर्स नेचुरली, इन विच ए मेटल अकर्स नेचुरली। क्यों यहां तक बात क्लियर हुई कि कंबाइंड स्टेट में मेटल्स क्या करती है नेचुरली अकर्स करती है, ठीक है, इन द क्रस्टी इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ये भी कह सकते इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ कॉल्ड मिनरल, क्या कह रहे हैं वो आपके पास
मिनरल्स। देखो दोबारा बता रहा हूं कि कंबाइंड स्टेट के जो एलिमेंट्स मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकर्स करते हैं कहां का इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ सरफेस के अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो हमारे पास उसको क्या कहा गया हमने मिनरल्स। अब इसी मिनरल्स पे हमारे पास सेकेंड फॉर्म आ गई ओस। क्या आ गए बच्चों सेकेंड फॉर्म क्या आ गए ओस कि द मिनरल्स यही हमारे पास फ्रॉम विच द मिनरल फ्रॉम विच हम इसी का ही पार्ट कि जो मेटल्स फाइंड आउट की गई है क्या वो लाइज कर रहे द मिनरल्स फ्रॉम विच कैन बी प्रॉफिट एबली पाई गई एंड हमारे पास कन्वेंशियली ठीक है इस जो हमारे पास एक्सट्रैक्टेड हो जाता है कन्वेंशनली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ओस। कि मेटल्स को अगर हम किसी भी तरीके से निकाल दे जाए एक्सट्रैक्ट कर दें कहां से उसके ओस से तो यहां एक बात हो जाती है अगर हम इस चीज को हम क्लासिफिकेशन में इन दोनों को जो बनाते हैं मिनरल्स और जो ओस होते हैं ओस इनमें बेटा कुछ इंप्योरिटीज भी मिल जाती है। इसका मतलब क्या है मेटल किसके साथ है इंप्योरिटीज के साथ है। इन इंप्योरिटीज को हम क्या कहते हैं गैंगू पार्टिकल्स गैंगू या मैट्रिक्स ठीक है। तो इन इंप्योरिटीज मिलती है उसके बाद हमारे पास जो मेटल मिलेगी वो मेटल है ना अकेले नहीं मिलेगी कंबाइंड स्टेट में किसी के साथ मिलेगी तो वो इंप्योरिटीज भी हो सकती है अदर एलिमेंट्स भी हो सकता है और दीज इंप्योरिटीज आर नोन एज गैंगू या मैट्रिक्स पार्टिकल ठीक है। अब बेटा हम एक थोड़ा सा डिफरेंस ले लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर में हमारे पास और मैंने उसका एग्जांपल आपके पास लिया एल्यूमिनियम ठीक है। एल्यूमिनियम की आपके पास दो फॉर्म होती है बच्चों मैंने जो लिखा आपके पास कि Al2O3 × X2O मैं लिखा अगर मैं इसको X2O को हटा देता हूं तो आपके पास क्या बन जाता है एल्यूमिना और इसका नाम जो हम बनाते हैं तो इधर इधर और आगे आप पढ़ोगे मैं लिखवाऊंगा अभी आपको बताऊंगा कि दैट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। इसका बॉक्साइट क्या ना बॉक्साइट BAUXIT बॉक्साइट अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख ले Al2O3 × SiO2 × H2O इस फॉर्म में लिख लिया ये आपके पास क्या हो गया क्ले टू मोल ऑफ लिया है ना तो टू मोल ऑफ दिस ये हो गया क्ले। देखिए अब हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है मिनरल और के बीच में बात करना है ठीक है। अब बात करते देखो बेटा दोनों के दोनों हमारे पास बोथ आर बॉक्साइट जिससे हम क्या प्राप्त करें कि कंबाइंड स्टेट है तो देखो कंबाइंड स्टेट है हमारे पास मेटल के साथ है मेटल हमारे साथ है नेचुरली आकर नेचर में आकर कर रहे हैं इन द अर्थ ऑफ क्रस्ट मीन्स क्या हो गए बोथ आर मिनरल क्या हो गए बोथ आर मिनरल क्लियर एक पॉइंट। अब सेकेंडली क्या कह रहे हैं कि द मिनरल्स फ्रॉम विच कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली एक्सपेक्टेड इज कॉल्ड ओर। अब हम इसमें और बताना है तो बेटा इससे जब हम बढ़ाएंगे बॉक्साइट से बच्चों तो बॉक्साइट से बच्चा हमारे पास क्या बनेगा इससे प्रिपरेशन आ जाएगी किसकी एल्यूमिनियम की तो दैट इज ओर जिससे हमने मेटल को प्राप्त किया वो आपके पास ओर हो गया ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था मिनरल्स एंड और ये हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास जनरल एक्विवेलेंसी आपने पढ़ा कि एलिमेंट्स कहां मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में फ्री स्टेट में ठीक है। इनको आप एक बार देखना रिवाइज करना नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। थैंक यू।